हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग एमएस एक्सेस में सीखने वाले हैं, अनमैच क्यूरी विजार्ड के बारे में। अनमैच क्यूरी विजार्ड होता क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वो लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले और सीखने वाले हैं। तो चलिए, अनमैच थ्योरी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक डाटाबेस बनाते हैं और उस डाटाबेस के सहारे हम लोग अनमैच थ्योरी का इस्तेमाल करके सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए एमएस एक्सेस को हमने ओपन किया। और हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह कि अनमैच थ्योरी का इस्तेमाल करने के लिए कम से कम दो टेबल बना होना चाहिए। कितना टेबल होना चाहिए? कम से कम दो टेबल होना चाहिए, तभी यह काम करेगा और तभी हमको आसानी तरीके से रिजल्ट दिखाएगा। तो चलिए, इसके लिए हम लोग दो टेबल पे डाटा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे डिजाइन व्यू में और टेबल वन ओके करते हैं। और इस बार हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी है, आईडी ऑटो नंबर आने देते, कोई दिक्कत नहीं है। या वैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, इस बार प्राइमरी की को अनचेक करते हैं और पहला हेडिंग बना देते हैं स्टूडेंट नेम। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, स्टूडेंट नेम। उसके बाद से यहाँ पे हमने कर दिया शॉर्ट टेक्स्ट, और सेकेंड हमने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस लिखने का शॉर्ट टेक्स्ट इसको भी किया। और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इनका कोर्स कौन सा है, ठीक है। पहले हमने यह बना दिया, राइट क्लिक किया, सेव किया, और सेव करने के बाद से हम इसको क्लोज करते हैं और क्रिएट पे आते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग, और उसमें भी राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में आते हैं, ओके करते हैं टेबल टू को। जो आईडी लिखा है इसमें लिखेंगे स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। लेकिन इस बार हमें लिखना है यहाँ पे सिटी, क्या लिखना है, सिटी। और सिटी लिखने के बाद से हमने कर दिया यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बताया इनका स्टेटस फॉर एग्जाम्पल। और राइट क्लिक किया, हमने क्या किया यहाँ पे, यार आने दे, स्टेटस हम हटा देते हैं, इसके भी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई। राइट क्लिक करते, सेव करते, ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं बताने वाला क्या हूँ। तो पहले टेबल पे आते हैं और लिख देते हैं जो भी नाम है, राहुल, एड्रेस क्या है, पढ़ रहा हूँ ना, कोर्स क्या है, बीसीए, फिर से है सोहन, और एड्रेस क्या है, रामकोला। और उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, कोर्स बताया इनका क्या कोर्स है। उसके बाद से हमने बता दिया यहाँ पे रोहन, और एड्रेस लिख दिया हमने, जो भी एड्रेस है इनका, कोर्स हमने मेंशन कर दिया, और हमने कर दिया यहाँ पे संदीप, एड्रेस जो भी है मैंने एड्रेस डाल दिया, कोर्स जो भी है वो हमने कोर्स डाल दिया, क्लियर है। अब इसको सेव कर दिया। अब इसी पर्सन का ध्यान देना, इसी पर्सन का, इसी स्टूडेंट का कुछ डाटा दूसरे टेबल पे है। किस पे है बाबू? दूसरे टेबल पे है। तो चलिए आ जाते हैं, क्या नाम है पहला, राहुल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डाटा सीट व्यू पे आते हैं और लिखते हैं राहुल। और राहुल लिखने के बाद से हमने कर दिया सिटी, सिटी में हमने कर दिया यहाँ पे पढ़ रहा ही है, और उसके बाद से क्या है, स्टेट यूपी है। फिर से सेकेंड में हमने कर दिया यहाँ पे रोहन, और रोहन में करने बाद हमने कर दिया यहाँ पे रामकोला,
और स्टेट इनका भी यूपी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जब लाया और हमने लिख दिया संदीप, क्या लिखा? संदीप, और एड्रेस कर दिया पड़ाना और यूपी। अब ध्यान से सुनना समझना, यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो पहले टेबल में हमने डाटा बनाया था, राहुल, सोहन, रोहन, संदीप, उसका एड्रेस दिया है, कोर्स दिया है, और उसी से रिलेटेड, मतलब उसी टेबल से रिलेटेड उसके बाद वाला डाटा हमने दूसरे टेबल में बनाया है। मतलब उस राहुल का एड्रेस कोर्स है, लेकिन उसके बाद वाला जो डाटा हमने बनाया है सिटी और स्टेट, वो दूसरे टेबल पे बनाया है। समझने की कोशिश करना, कहाँ पे बनाया हमने? दूसरे टेबल पे बनाया। समझ लो पहले, जब तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे स्टूडेंट नेम जो है राहुल, पहले टेबल में इनका एड्रेस क्या है, पढ़ रहा हो ना, कोर्स क्या है, डीसीए। तो पहला, मतलब पहली बार, पहले मंथ में जो हमने डाटा बनाया था या वैसे हमने वर्क किया था, तो डाटा हमने इतना ही मेंशन किया था, लेकिन फिर से डाटा और भी हमको कुछ मिल गया, तो वह डाटा हम किस में बनाया, दूसरे टेबल में बनाया, उसी पर्सन का। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लो पुराने मंथ में कोई डाटा चढ़ाया है, फिर से अगले मंथ में कोई डाटा हमको चढ़ाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों का डाटा छूट जाता है, अब पता नहीं चला किसका छूटा हुआ, कुछ समझे? तो वैसे ही हमने पहले टेबल पे कुछ डाटा बनाया है और उसी से संबंधित दूसरे टेबल पे भी हमने क्या कर रहा है, डाटा बना रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि पहले टेबल में जो डाटा है जिस पर्सन का, क्या दूसरे टेबल में दोनों है, दोनों मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो कौन सा ऐसा नाम है जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनमैच क्यूरी विजार्ड का। मतलब दो टेबल में से कौन सा ऐसा पर्सन का डाटा है जो दूसरे टेबल में मैच नहीं कर रहा या पहले टेबल में मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेस में क्वेरी विजार्ड में अनमैच क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब फायदा क्या होता है, तो पहले टेबल में जो डाटा है अगर दूसरे टेबल में वो डाटा नहीं गया है, तो कौन सा डाटा नहीं गया है वो हमको दिखा देता है कि बाबू रोहन का डाटा नहीं गया है, सोहन का डाटा नहीं गया है, ध्यान दो उसको भी लेके जाओ। क्लियर है ना? तो आप इस्तेमाल करते हैं अनमैच क्यूरी का। क्लियर है? अब कैसे करेंगे, क्या इसके लिए स्टेप है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले तो आप लोग जाइएगा, दो टेबल बना लीजिएगा, पहले टेबल में कोई डाटा, दूसरे में कोई टेबल पे डाटा, मतलब नाम सेम वही होना चाहिए, कुछ नाम छोड़ दीजिएगा, अतः देखिएगा मिसमैच बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है? तो उसके लिए इस्तेमाल करता है अनमैच क्यूरी विजार्ड, ठीक है बाबू? तो चलिए अनमैच क्यूरी विजार्ड के लिए क्या करते हैं वो एक एक करके हम लोग सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसके लिए जो हमने टेबल बनाया है, तो पहले टेबल के डाटा को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर लेते हैं, दूसरे टेबल के डाटा को भी क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। मतलब टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब टेबल, अब पहला टेबल ओपन करके बना लेना ऐसे डाटा, आ जाओ फिर से कहाँ आओगे, दूसरे टेबल पे आओगे, डाटा बना लोगे, बोलो सर। टेबल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब चलो मैं यहाँ पे आ गया, और आने के बाद इसको सेव किया, यहाँ पे आ गया, आने के बाद इसको सेव किया, और दोनों को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे आने के बाद से ध्यान से सुनना समझना, यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे आ जाना क्रिएट, कहाँ पे आना बाबू, क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से हमको कहाँ पे आना है, क्वेरी विजार्ड पे, कहाँ पे आना है, क्वेरी विजार्ड पे, और क्वेरी विजार्ड पे आने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड, क्या है जी, फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड। अब फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम कर देंगे ओके, क्या करेंगे, ओके। अब ओके करते देखो आ गया टेबल वन टेबल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले टेबल वन सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, टेबल वन सेलेक्ट करेंगे। अब टेबल वन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से क्या करेंगे, टेबल टू सेलेक्ट करेंगे, दोनों टेबल से मैच करा दिखाना है ना। अब दोनों टेबल आ गया, अब दोनों टेबल आने के बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पे अब किससे मैच कराना है, स्टूडेंट नेम से ही मैच कराना है आपको ना, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट यहाँ क्लिक कर दिया, दिख रहा ना आपको, आप जैसे क्लिक करेंगे दोनों पे तो अपने आप यहाँ पे दिखने लगेगा, स्टूडेंट नेम से किसमें मैच कराना है, स्टूडेंट नेम मैचिंग फील्ड, यही मैच, मतलब फील्ड मैच करना चाहिए, अगर मैच किया तो अच्छा है,
तो दोनों पे दोनों दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अनमैच किया तो क्या करेगा वो डाटा दिखा देगा शो करके अलग, कि यह डाटा है जो पहले टेबल में है नहीं दूसरे टेबल में नहीं है। कैसे? चलिए हमने सेलेक्ट किया, कर दिया नेक्स्ट, और उसके बाद से हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे करना है क्या दिया है जी, मतलब जो फील्ड दिखाया है वह किसके हिसाब से, किसी के हिसाब से दिखाना चाहिए। फिनिश। सुनाया आपको क्या सुनाया? देखो टेबल वन में, अब समझने की कोशिश करना, टेबल वन में राहुल है, सोहन है, रोहन है, संदीप है, क्लियर है। इनका एड्रेस है और इनका कोर्स है, और इसी पर्सन इसी स्टूडेंट नेम के हिसाब से दूसरे टेबल पे भी डाटा बनाया। लेकिन दूसरे टेबल में कौन कौन है? राहुल है, रोहन है, संदीप है। हम गलती से भूल गए, शौक नहीं था हमें भूलने का, गलती से भूल गए, उस पर्सन का आईडी हमने लिखा ही नहीं, उस पर्सन का नेम लिखा ही नहीं। तो हम यही मैच कराना चाहते हैं कि दो टेबल में, ठीक है, पहला टेबल है और जो दूसरा टेबल है, क्या पहले टेबल का पूरा डाटा दूसरे पे गया है? जिस पर्सन के हिसाब से हेडिंग हम बना रहे हैं, जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो देखो बताया जा रहा है मैच क्यूरी में क्या बताया जा रहा है, सोहन का जो डाटा है ना वह दूसरे टेबल में नहीं गया है, ये अनमैच करके बता दिया। अब कहो सर ऐसा प्रयोग कब करेगी? तो छोटा सा डाटा हम खोज लेते, नहीं, जब 100 200 डाटा हो और वहां पे हम डाटा को एक मतलब पहले सीट से अब दूसरे सीट में ले जा रहे हैं, पहले टेबल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो वहां पे मुश्किल हो जाता है हमको चेक करना कि कौन छोड़ा है और कौन नहीं। ऐसा होता है आप लोगों के भी साथ, ठीक है, जब ज्यादा होता है तो फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करना हो तो कई बार ऐसा होता है दो चार छूट जाता है, अब बाद में पता चला छूट गया, फिर से खोजने में टाइम लगता है। तो ऐसे टेबल, पहले टेबल में जो हेडिंग मेन है वो दूसरे टेबल में है कि नहीं, या मैच कराने के लिए हम लोग अनमैच क्यूरी विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको? बोलो, ठीक है। तो यह बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। चलिए इसके एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिससे अब और भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक ठीक है, क्लोज करें इसको। चलिए और भी हमको आपको बता रहे हैं जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। इस बार हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम सेलेक्ट करके, और इस बार हम डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। एक बार और बताने के लिए हम आ जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं डिजाइन व्यू। कहाँ पे आ जाते हैं? डिजाइन व्यू में, और डिजाइन व्यू में आने के बाद इंसर्ट रो, एक रो इंसर्ट कराते हैं और लिख देते हैं रोल नंबर। क्या लिख देते हैं? रोल नंबर। चलिए ठीक है, प्राइमरी की नहीं रहना चाहिए, और रोल नंबर में क्या करते हैं यहाँ पे नंबर कर देते हैं, राइट क्लिक करके सेव। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन में आई गया है, और क्लिक करते हैं यहाँ पे दूसरे टेबल पे आएंगे, राइट क्लिक डिजाइन, और ये जो प्राइमरी की है क्या करना है हमको, अनचेक करना मुझे चाहिए नहीं है, और उसके बाद इंसर्ट पे आ जाना है और लिखना है क्या रोल नंबर, और यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। अब चलो इसको भी हम राइट क्लिक करके सेव करते हैं, पहले टेबल पे आते हैं और डाटा शीट व्यू पे आते हैं। ध्यान से सुनना समझना सभी लोग, एक एक दो एक तीन एक चार एक पांच वन जीरो सिक्स और हमको दे देना यहाँ पे रितेश। ठीक है बाबू, टेबल वन पे आ गए, अब टेबल टू पे आके फिर से कहाँ आएंगे? डाटा सेट व्यू, और हमने बस लिख दिया 101 102 10, बीच में ही कर देते हैं 105 कर देते हैं। ठीक है बाबू, और राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं, पहला टेबल दूसरा टेबल। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो पहले टेबल में आईडी है
क्या उस आईडी से डाटा हम दूसरे टेबल में लेके गए हैं, और गए हैं तो कौन कौन सा लेके गए हैं, और कौन कौन सा ऐसा आईडी है जो मिसमैच है, उसी को हमको खोजना है, देखना है। तो उसके लिए देखिए, तो इस बार थोड़ा ज्यादा खोज के दिखाएगा। तो चलिए इसको हम राइट क्लिक करके सेव करते हैं, और इसको भी राइट क्लिक करके हम लोग सेव करते हैं, और सेव करके दोनों को क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्रिएट में आएंगे, क्लियर है। क्रिएट में आने के बाद से कहाँ आएंगे, क्वेरी विजार्ड पे, क्लियर है सबको। क्वेरी विजार्ड पे आने के बाद से कहाँ आएंगे, फाइंड एंड मैच क्वेरी विजार्ड, और फाइंड एंड मैच क्वेरी विजार्ड के बाद से ओके करना है। ओके करने के बाद पहले टेबल वन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से टेबल टू को, जो टेबल मतलब मैच कराना है, टेबल टू को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब इसमें किसको किससे मैच कराना है, रोल नंबर से रोल नंबर, ध्यान से सुनना समझना, किसको मैच कराना है, रोल नंबर से रोल नंबर। तो बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बीच पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे जी, बीच पे क्लिक करेंगे, जैसे दोनों टेबल है मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैचिंग फील्ड दिखा दिया, रोल नंबर से क्या मैच कराएगा, रोल नंबर। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने बाद से नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने बाद से बस फिनिश कर देंगे। कुछ समझे नहीं, पहले टेबल पे देखो एक से लेके छह तक है, दूसरे टेबल पे एक है दो है और पांच है, तो क्या क्या है बीच में गैपिंग चल रहा है, थ्री फोर सिक्स बोलो। तो देखो और मैच में देखो बता रहा है थ्री फोर सिक्स, जो पहले टेबल में है ये दूसरे टेबल में नहीं, क्लियर है आपको, इसी तो बोलते हैं अनमैच, ठीक है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अनमैच क्यूरी का इस्तेमाल करके और आसानी तरीके से हम लोग डाटा को निकाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जब बड़ा सा डाटा रहता है और दोनों टेबल में डाटा रहता है और वहां पे अनमैच चेक करना होता है, और चाहे नाम के हिसाब से चेक करना हो या रोल नंबर के हिसाब से चेक करना हो या आईडी के हिसाब से चेक करना हो, तो वहां पे हम लोग अनमैच क्यूरी का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से डाटा देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए।